सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन का बीकॉम सेमेस्टर 2 का सजेशन मिलने वाला है आप लोगों को, जो कि 2023 टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो भी सजेशन हम दे रहे हैं इस वीडियो में, वो सारा कुछ कर लेना तुम, ठीक है ना। और इसका आंसर्स के लिए तो ऑब्वियसली हम सारा बुक्स का जो भी आंसर्स वाला PDF हम प्रोवाइड करके रखें अपना टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से तुम लोग ले लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और इस ये वाला PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बट बिफोर डाउनलोडिंग दैट लिंक, मतलब सजेशन डाउनलोड करने से पहले एक बार सुन लेना हम किस कलर में क्या मार्क किए हैं, ठीक है ना। ऐसे डाउनलोड मत कर लेना, देखो पहले कि हम किन कलर से मार्क किए हैं। बहुत सारा कलर यूज़ किए हैं, तो हर एक कलर का मतलब अलग है, ठीक है। तो जैसे कि जो भी हम ब्लू से मार्क किए हैं ना, वो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी रेड से मार्क किए हैं वो पिछले टर्म में आया हुआ था, तो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। तो जो रेड से मार्क किए हैं उसको तुम लोग थोड़ा एकदम लास्ट में थोड़ा देख सकते हो, बहुत लास्ट में, उतना अभी स्टार्टिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम बोलोगे भैया आप क्यों लास्ट टर्म वाला बोल रहे हैं, रिपीट होगा, क्योंकि ऐसा रिपीट हुआ है। बहुत क्वेश्चन हम देखे हैं कि लास्ट ईयर आया, इस बार भी आ गया, तो CU का कोई भरोसा नहीं है। वो लास्ट ईयर का पेपर भी उठा के दे सकता है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए तुम लोग को पहले ब्लू वाला सारा पढ़ना है, उसके बाद रेड वाला भी देख लेना है, ताकि तुम एकदम पूरा सिक्योर हो जाओ, ठीक है ना। और हाँ, थ्योरी पेपर में उतना भी अच्छे से मार्क्स नहीं मिलता जितना तुम लोग को अकाउंट्स में मिलता है, इसलिए तुमको बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि तुम सोचोगे कि अरे बिजनेस कम्युनिकेशन में 10-12 मार्क्स लाना है, तो हम ऐसे ही ले आएंगे, मतलब दो छः मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा मेरा, वैसा नहीं है। तुमको 20-25 मार्क्स का करोगे तब तुम एटलीस्ट होप कर सकते हो 12+ आएगा, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत राइटिंग का भी इश्यूज आता है ना, किस वे में तुम लिख रहे हो, ठीक है। तो और बेसिकली 5-6 मार्क्स का ही क्वेश्चन तुम लोग का आएगा, बेसिकली यही आता है। तो तुमको हर एक क्वेश्चन का ना 5-6 पॉइंट्स ही पढ़ना, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि उतना पढ़ के फ़ायदा क्या है, ठीक है, उतना ही पढ़ना, ठीक है। सारा क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, सबके आंसर्स का, सबका आंसर तो आपको, आपके पास अगर बुक होगा तो उसमें मिल जाएगा, और मिशन MCQ में भी बहुत सारा आंसर्स दिया हुआ था, तो वो हम तो PDF प्रोवाइड कर ही दिए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेन जो कि तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन में आता है, वो है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में देख लो, लास्ट ईयर में आया था तुम्हारा 6th बोर्ड मीटिंग का नोटिस आया था, मिनट आया था AGM का। इस बार इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा, और नोटिस आएगा 1st बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी, दोनों में से कोई एक आ जाएगा या फिर दोनों ही आ सकता है, ठीक है। तुम ये दोनों का नोटिस पढ़ लिए ना, तुमको पता होगा, तुम तो इतना देर तक पढ़ लिए तो तुमको पता होगा कि नोटिस अगर हमको आता है तो हम मिनट्स भी हम आराम से लिख लेंगे, क्योंकि नोटिस में हम लोग बोलते हैं कि ये होने वाला है, ये अपॉइंट होगा, इसको इतना पैसा देंगे, इसको ये करेंगे, और मिनट में रिजल्ट होता है, ठीक है। नोटिस में बताते हैं ये होगा, और उस मिनट में बताते हैं क्या क्या हुआ उसके बदले, एजेंडा में क्या क्या, एजेंडा जो था उसके बदले क्या क्या हुआ। सो बेसिकली आप लोग का यही दो इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला कर लिए तो मिनट्स करने का उतना ज़रूरत भी नहीं है, आराम से फॉर्मेट बना के कर, फॉर्मेट है भी नहीं उतना, नॉर्मल लिख दोगे ये सब, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट ऊपर दो ही है, ठीक है ना, उसको कर लिए तो उसका मिनट्स भी कुछ है ही नहीं, सेम ही है, ठीक है। और एक और चांसेस है कि एक तो नोटिस मिनट में से आ जाता है, एक तो आता लेटर वाला से। लेटर का देख लो कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारा लेटर्स है, उसमें क्या फॉर्मेट देंगे, उसमें मतलब क्या सजेशन देंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि बस एक बेसिक सा फॉर्मल लेटर का देख लो फॉर्मेट की कैसे लिखते हैं बस, और ओपनिंग पैराग्राफ देख लो कि कैसे कोई भी इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं किसी के सामने, ठीक है, बस इतना ही देख लो। उसके बाद तो तुमको जो कंटेंट है, जो टॉपिक आएगा उसके हिसाब से तुमको लिखना है, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन का 5-6 पॉइंट ही करना, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना, ठीक है ना, उतना करके फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो यही था सजेशन, और कुछ भी इसमें डाउट हो कि भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा ये, वो तो मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, पूछ लेना, ठीक है। सो कर लो, और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, इसमें से बहुत कुछ फंसेगा, ठीक है, ये कंफर्म है मेरा, ठीक है ना। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।